हेलो दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है। द पाथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ वन क्वार्टर ऑफ अ यूनिट सर्कल यूनिट ऑफ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज शोन इन द फिगर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऑन पाथ ए बी ट्रांसवर्स्ड इन अ काउंटर क्लॉक वाइज सेंस इज। हमें क्या निकालना है बेटा? इंटीग्रेशन निकालना है यहाँ से लेके इस पाथ पे, लेकिन किसका इंटीग्रेशन निकालना है? ए से लेके बी तक हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन किसका निकालना है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। ठीक है, इस पाथ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि ये है क्या। तो ए पॉइंट का मतलब है बेटा ये सर्कल का 1,0 होगा और ये 0,1 होगा। ठीक है, सर्कल का 0,1 होगा और ये 1,0 होगा। और आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा। तो ये जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू रेडियस कितना है? यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का मतलब 1 रेडियस, कोस थीटा। ऐसे बेटा वाई की वैल्यू जो आती है आर साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू जब आ जाएगी साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम पोलर फॉर्म में करेंगे, और पोलर फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है आर थीटा इंटू आर डी थीटा। किसका निकालना है? इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर का निकालना है। और जब काउंटर क्लॉक वाइज चलेंगे तो कितना थीटा चलेंगे हम? 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 तक। तो 0 से π/2 तक चलेंगे तो रेडियस हमें पता है कितना गिवन है। 0 से π/2 रेडियस हमें कितना गिवन है? ये एक्स के लिए आएगी कोस थीटा, वाई की वैल्यू आएगी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू 1 गिवन है, डी थीटा डी थीटा। तो इसको जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। और ये किससे? ये किससे मल्टीप्लाई है? डी थीटा से। और कहाँ से इंटीग्रेशन की लिमिट कितना है? 0 से π/2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो 0 से π/2 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा के बराबर। तो ये 1 प्लस sin 2 थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा, और इसका आ जाएगा -cos 2 थीटा अपॉन 2 0 से π/2। तो एक बार हम डालेंगे पाई बाई टू तो आएगा cos π/2 माइनस कोस की वैल्यू 2 into π/2 upon 2 माइनस, जब जीरो डालेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 माइनस cos 0 upon 2। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? ये यहाँ से यहाँ कटेगा तो ये कोस पाई आ जाएगा। तो आएगा बेटा π/2 माइनस, ये आ जाएगा कोस पाई। कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और -1/2। -cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा -1/2। तो आ जाएगा π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/2, और इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा π/2 + 1। दिस इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।